दोस्तों, आपने देखा होगा या तो सुना होगा कि लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, पर सोचने वाली बात यह है कि लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है, फिर लोहे का बना हुआ इतना बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता। शुरू करने से पहले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्सोफीरिया में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी में जहाज क्यों नहीं डूबता, इसका जवाब है भौतिक शास्त्री यानी फिजिसिस्ट आर्किमिडीज के सिद्धांत का। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव यानी पानी में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह वस्तु हल्की हो जाती है, यानी आभासी रूप से या वर्चुअल रूप से उसके भार में कमी आ जाती है, और यह आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होती है। लोहे की छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उस लोहे की गेंद द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है। इसी तरह जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उस जहाज के द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है।